अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एम्बालविंग ठीक है ना सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एम्बालविंग एम्बाल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकली ट्रीटिंग द डेड बॉडी टू रिड्यूस द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एम्बालविंग एक प्रोसेस है इसमें जो डेड बॉडी है वो केमिकली ट्रीट करते हैं हम क्यों टू रिड्यूस द प्रजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो डेड बॉडी हैं आफ्टर डेथ क्या होता है जो डेड बॉडी हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं जैसे बैक्टीरिया भी ग्रो होते हैं ठीक है ना और जो डेड है, बॉडी हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है ठीक है ना और जो डेड बॉडी के जो सेल्स हैं वो नेचुरली ब्रेक डाउन होते हैं तो इस प्रोसेस को डिले करने के लिए जो बॉडी है वो केमिकली ट्रीट करते हैं वो हम केमिकली ट्रीट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्बॉलिंग नेक्स्ट है इज़ इज आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स बाय ट्रीटिंग देम इन इट्स मॉडर्न फॉर्म विद केमिकल्स हम केमिकल से ही ट्रीट करते हैं टू फोर स्टाल डिकम्पोशन उसको हम ट्रीट करते हैं केमिकल कि से टू तो फोर स्टाल डिकम्पोशन फॉर प्रजर्विंग और डिकम्पोशन को रिड्यूस करने के लिए जो डेड बॉडी हैं वो हम केमिकल से ट्रीट करते हैं तो कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं उसमें एम्बालमिंग जैसे कि फॉर्मल डाइड है ग्लिट्रल डड हैं इथेनॉल हैं और मिथिन है ठीक है ना नेक्स्ट गोल्स ऑफ एम्बालमिंग तो गोल्स में क्या है सैनिटाइजेशन है प्रेजेंटेशन है और प्रिजर्वेशन है सैनिटाइजेशन में क्या किया जाता है जो डेड बॉडी है डेड बॉडी को हम वॉश करते हैं एम्बालमिंग में क्या है कि डेड बॉडी में वॉश करते हैं हम विद एंटी माइक्रोबियल एंड डिसइंफेक्टेंट से हम वॉश करते हैं डेड बॉडी जो ये प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज़ परफॉर्मड इन ऑर्डर टू डिले डिकम्पोशन टू एलिमिनेट पोटेंशियल ऑर्डर कॉज्ड बाई बैक्टीरियल स्पैसीस तो ये सैनिटाइजेशन है ये क्यों हम परफॉर्म करते हैं ताकि जो डिकम्पोशन है वो डिले हो सके और जो है क्या है कि आफ्टर डेथ क्या है जो डेड बॉडी है वो इसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम ग्रो होते हैं उसकी वजह से क्या है कि उसे बेड ऑर्डर आता है बॉडी से तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जो डेड बॉडी हैं उसको हम सैनिटाइज करते हैं ठीक है ना तो ये आ गया सैनिटाइजेशन तो नेक्स्ट क्या है दैट इज़ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में क्या है कि इट इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग बॉडी विथ फॉर सर्विसेज मतलब कि जो डेड बॉडी है उसको हम प्रिपेयर करते हैं Osionfish. तो इसमें क्या है, क्या है कि में उसमें हम एम्बालमर मसाज करते हैं डेड बॉडी को मसाज करते हैं जैसे कि रेगर मोड्स में है कि स्टिफनिंग हो जाती है बॉडी की तो इसमें क्या है कि एम्बालमर हैं वो बॉडी को मसाज करता है ताकि जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है और जाए कि फेशियल एक्सप्रेशन सेट करता है ताकि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाती है तो उसको भी सेट करता है वो और जो और वो शेप द बॉडी स्टाइल हेयर और ड्रेस द बॉडी एंड अप्लाई मेकअप तो इन सबसे क्या है कि एक डेड बॉडी में लाइफ लाइक अपेरेंस आ जाती है उसकी वजह से क्या है कि जो ग्रीविंग है वो कम हो जाती है और जो बॉडी है वो सूटेबल हो जाती है फॉर पब्लिक डिस्प्ले ठीक है न ने? तो नेक्स्ट क्या है दैट इज़ प्रजर्वेशन तो प्रज़र्वेशन में क्या है कि जो एम्बालमर एम्बालमिंग प्रोसेस हैं जो ब्लड हैं और इंटरसिटेशल फ्लूड है वो रिमूव करते हैं हम वो रिप्लेस करते हैं हम विद एम्बालमिंग फ्लूड उसकी वजह से क्या है कि जो डेड बॉडी है वो प्रिजर्व रहती हैं और इवेंचुअली क्या होता है जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती हैं तो इसमें क्या है कि हम बॉडी को केमिकली ट्रीट करते हैं इसकी वजह से डेड बॉडी प्रिजर्व रहती है तो ठीक है तो नेक्स्ट क्या है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ एम्बाल्मिंग प्रोसेस और मेथड्स ऑफ एम्बाल्मिंग प्रोसेस तो एम्बाल्मिंग प्रोसेस क्या है कि इसमें जो एम्बाल्मिंग फ्लूड हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं जो जो डेड बॉडी है उसमें आर्टरीज़ में हम एम्बालमिंग फ्लूड इंजेक्ट करते हैं और जो भी उसके इंटरनल फ्लूड्स हैं वो हम ड्रेन करते हैं और एस्पायरेट करते हैं हम उसको जो फ्लूड्स हैं इंटरनल फ्लूड्स हैं इंटरस्टेशल फ्लूड्स हैं वो हम एस्पायरेट करते हैं और हम वो रिप्लेस करते हैं एम्बाल्मिंग से द प्रोसेस ऑफ एम्बाल्मिंग इज डिज़ाइनड उसी वजह से क्या है कि जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाती है वो रिटार्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से डेड बॉडी है वो प्रिजर्व हो जाती हैं तो एम्बाल्मिंग प्रोसेस के चार मेथड्स हैं उसके चार फोर टाइप्स हैं कौन कौन से आर्टेरियल एम्बाल्मिंग है कैविटी एम्बाल्मिंग है हाइपोडर्मल एम्बालमिंग और सरफेस एम्बालमिंग ठीक है ना तो आर्टेरियल एम्बाल्मिंग क्या है कि जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं वो इंजेक्ट करते हैं हम ब्लड वेसल्स में यूजुअली वेदर राइट कॉमन कैर आर्ट्री आर्ट्रियल एम्बालमिंग क्या है कहते हैं जो एम्बाल्मिंग केमिकल होता है एम्बाल्मिंग फ्लूड है वो हम इंजेक्ट करते हैं डेड बॉडी में थ्रो राइट कॉमन कैरोटेड आर्ट्री में ठीक है ना उसके साथ जो ब्लड है ब्लड को रिमूव करते हैं हम थ्रू राइट जुगुलर वेन से ठीक है ना तो ये जो एम्बाल्मिक सोलूशन है ये कैसे कम इंजेक्ट करते हैं विद सेंट्रफ्यूल पम्प जो एम्बालवर है उसके बाद जैसे कि जो एम्बाल्मिंग फ्लूड इंजेक्ट हुआ उसके बाद जो एम्बालवर है जो बॉडी को वो बॉडी को मसाज करता है ताकि जो एम्बाल्मिक फ्लूड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके बाद इनके साथ पोअर सर्कुलेशन अदर इंजेक्शन पॉइंट्स आर यूज ठीक है ना जैसे कि पहले कहें कि जो एम्बालमर हैं एम्बालमर एसेस करेगा राइट कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन को वो पहले नेक रीजन में इंसीजन देता है ठीक है ना टू तो एसेस कैरोटिड ऑटरी एंड जुगुलरवीन ठीक है न उसके बाद जब एम्बालमर ने एसेस किया जो रेड कैरोटिड ऑट्री हैं और जुगुलरवीन को जब उसने एसेस किया उसके बाद क्या होता है वो ट्यूब को इंसर्ट करता है एट्रियल ट्यूब को इंसर्ट करता है कैर ऑट्री में ठीक है न जब उसनेट्रील आर, ट्यूब को इंसर्ट किया कैर उसके बाद वो एम्बालमिंग फुड को इंजेक्ट करता है किससे सेंट्रीफ्यूजल पंप से वो और जो जैसे कि एम्बाल्मिंग फ्लूड्स इंजेक्ट किए उससे क्या है कि जो ब्लड है वो वो रिमूव करते हैं हम थ्रू जुगुलर वेन से ठीक है ना आफ्टर डेथ क्या है कि जो एम्बालमर हैं वो पहले मसाज करता है डेड बॉडी को ताकि डेड बॉडी जो है वो एम्बाल्मिंग फ्लूड जो है वो प्रॉपरली फिर डिस्ट्रीब्यूट हो सके मतलब कि जो आर्टेरियल एम्बाल्मिंग क्या के, जो एम्बाल्मिंग फ्लूड है वो इंजेक्ट करते हैं हम थ्रो राइट कैरोटिड आर्टरी और जो ब्लड है इनसाइड वो हम रिमूव करते हैं किस कहाँ से राइट जुगुलर वेन से ठीक है ना तो नेक्स्ट क्या है इसमें दैट इज केविटी एम्बालमिंग तो क्या कैिटी क्या है कि जो कैविटीज़ हैं कैविटीज़ हैं और स्टामक कैविटीज़ हैं ठीक है थीके? तो आर्टेल एम्बाल्मिक में हमने देखा अगर एम्बालमिंग फ्लू नहीं पहुंचता है जो ट्रोकार है और एस्पिरेटर हैं उसकी वजह से क्या है कि जो ट्रोकार है जस्ट एबो द नेवल हम इंसिजन देते हैं और ट्रोकार को हम इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से जो आलो ऑर्गन वो पंक्चर हो जाते हैं उसके बाद जो इंटरनल फ्लूड्स हैं उसको हम एस्पायरेट करते हैं एस्पायरेटर से उसको हम एस्पायरेट करते हैं उसके बाद जो एम्बाल्मिंग फ्लूड हैं एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं उसको हम इंजेक्ट करते हैं तो ये तो आ गया केविटी वी एम्बालमिंग उसके बाद जो इंसीजन है वो हम स्यूचर करते हैं नेक्स्ट है हाइपोडर्मिक एम्बालविंग तो हाइपोडर्मिक एम्बालविंग है ये हम सप्लीमेंटल मेथड हैं इसको हम सप्लीमेंटल मेथड बोलते हैं इसमें क्या है कि वेद हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज जो एम्बाल्मिंग फ्लूड हैं जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द टिश्यूज हाइपोडर्मिंग एक सप्लीमेंटल मेथड है इसमें जो केमिकल्स हैं केमिकल्स हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं इन द टिशूज विध हाइपोडर्मिक नीडल एंड सीरीज ठीक है तो ये आ गए हाइपोडर्मिक नीडल एंड सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज सरफेस एम्बालमिंग सरफेस एम्बालमिंग ये भी एक सर सप्लीमेंटल मेथड है इसमें क्या है कि जो एम्बालमिकमिकल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं हम स्किन सरफेस पे मतलब कि जो भी विजिबल इंजर्ड पार्ट्स हैं उनमें हम सरफेस एम्बालमिंग करते हैं क्या है कि इसमें इसमें जो केमिकल्स हैं एम्बालमिंग फ्लूट्स हैं वो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ऑन द स्किन सरफेस पे। जो भी इंजोर्ड पार्ट्स हैं वीर्ड पार्ट्स हैं उस पर ही हम अप्लाई करते हैं ये तो नेक्स्ट क्या है इसमें दैट इज पर्पजेज़ पर्पजिज़ ऑफ एम्बालमिंग to keep the body suitable for public display at a funeral for medical and scientific purposes ये हमने जो पहले भी देखा है मतलब कि हम प्रेजेंट करते कैसे करते हैं फॉर प्र, पब्लिक डिस्प्ले जैसे कि मैंने बोला उसमें हम मैसेज मसाज करते हैं हेयर सेट करते हैं तो इसे क्या है कि जो डेड बॉडी है वो प्रेजेंट करते हैं फॉर पब्लिक डिस्प्ले पे नेक्स्ट कहें इसमें दैट इज़ फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पजेज़ तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अगर हमें एक डेड बॉडी को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाना है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाना है लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें तो उसमें भी एम्बारमिंग हम करते हैं ठीक है या द नपयरेंस ऑफ बॉडी डिसफिगर्ड बाय ट्रामेटिक डेथ मतलब कि अगर किसी पर्सन को ट्रामेटिक डेथ हुई है मतलब कि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंटल डेथ हुआ है मतलब अगर उसकी बॉडी डिस्फिगर्ड हो गई है तो हम उसको भी एनहांस करते हैं विद एम, एम्बॉलमिंग से ही तो ये आ गए पर्पज ऑफ एम्बालविंग ओके थैंक यू दिस वॉज अबाउट